सो नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल बॉस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही जरूरी जानकारी देने जा रहा हूँ। जो लोग इस वीडियो को नहीं देख पाएंगे उनकी बहुत ही जरूरी जानकारी मिस हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बारे में आज आप सीखकर बोलोगे कि वाह यार मजा आ गया। अगर पता नहीं चलता तो मतलब बहुत ही जरूरी जानकारी का हमें पता नहीं चलता, लेकिन अब आपको बहुत अच्छा फील महसूस होगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बारे में जानकर, ठीक है। तो मोबाइल की तीन सेटिंग के बारे में बताऊंगा आपको, तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मतलब सोच नहीं सकते उनके बारे में। और चलिए शुरू करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर आप सभी लोग गूगल प्ले स्टोर सभी लोग यूज करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है गूगल प्ले स्टोर का एक फैक्ट, क्या आपको पता है आपके अपने मोबाइल के बारे में, तो वही बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप यदि अपना प्ले स्टोर खोलते हो तो आपको हमेशा एक चीज़ चेक कर लेनी है अपने मोबाइल के अंदर, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जो तीन लाइन रहती है इन पर टच करना है और चले जाना है यहाँ पर इसकी सेटिंग में, ठीक है दोस्तों। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर सबसे नीचे जाना है आपको, और यहाँ पर लिखा रहता है डिवाइस सर्टिफिकेशन, ओके। यहाँ पर आपको चेक कर लेना है डिवाइस सर्टिफिकेशन पर सर्टिफाइड लिखा हुआ है या नहीं। दोस्तों कुछ मोबाइल ऐसे आ रहे हैं जो चाइना के बने हुए हैं या फिर तरह तरह की कंपनियों के बने हुए हैं जिसमें यहाँ पर सर्टिफाइड लिखा हुआ नहीं आता है। तो यदि आप इसको ओपन करते हो तो ये आपके ब्राउजर में खुलेगा गूगल के थ्रू और आपको कुछ यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। यदि आप इसको पढ़ते हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये सर्टिफाइड का मतलब होता क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों ये है, यदि आपके मोबाइल पर यहाँ सर्टिफाइड लिखा हुआ नहीं है तो आपका मोबाइल गूगल से सर्टिफाइड नहीं है, वो सिक्योर नहीं है, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, आपका डाटा चोरी हो सकता है, ठीक है। आपकी अकाउंट इन्फॉर्मेशन, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, आपके मोबाइल का पूरा हैक किया जा सकता है, तो आप बिल्कुल भी सेफ नहीं हो यदि यहाँ पर सर्टिफाइड लिखा हुआ नहीं है। तो दोस्तों यदि आपके मोबाइल में यहाँ पर सर्टिफाइड लिखा हुआ नहीं है तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे दोस्तों, आपको चले जाना है सीधा अपने मैन्युफैक्चर के पास, यानी कि यदि आपका मोबाइल सैमसंग का कंपनी का है तो आपको सैमसंग कस्टमर केयर के पास चले जाना है। वहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखकर उनको देनी है कि ये प्रॉब्लम है, मेरा मोबाइल सर्टिफाइड नहीं है गूगल से, तो वो आपकी इस प्रॉब्लम का पूरा कंप्लीटली रूप से सोल्यूशन करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा सिस्टम बाईपास कैसे हुआ, हमने ऐसा मोबाइल कैसे निकाल दिया जो गूगल से सर्टिफाइड नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चेक जरूर कर लेना है, जब भी आप कोई नया मोबाइल खरीदे इसको जरूर चेक कर ले कि आपका मोबाइल गूगल से सर्टिफाइड है या नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत ही जरूरी सेटिंग थी, बहुत ही जरूरी जानकारी थी आप लोगों के लिए, ठीक है। अब दोस्तों बढ़ता हूँ मैं दूसरी सेटिंग की ओर, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि मैं बात करूँ उसकी सेटिंग की तो आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक सेटिंग मिल जाएगी जिसका नाम होगा लोकेशन सेटिंग, ओके दोस्तों। लोकेशन सेटिंग पे आपने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन सभी के ऊपर से ऑन रहती है, ऑन रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद यहाँ पर मोड रहता है, मोड आप इसमें हाई एक्यूरेसी रखते हो या फिर बैटरी सेविंग के रखते हो वो आपकी टेंशन है। यदि आपको बैटरी सेविंग करनी है तो यहाँ पर आप बैटरी सेविंग की जो है सेट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अब इसमें तीसरा ऑप्शन होता है GPS फॉर फोटोज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है। यदि दोस्तों आप इसको ऑन कर देते हो सेटिंग को, तो इसका मतलब ये है अब जब भी आप अपने मोबाइल से कोई फोटो लेते हो उसकी लोकेशंस को शेयर कर दिया जाएगा जो यहाँ पर नीचे एप्लीकेशन आपके मोबाइल में दी रहेगी। जैसे मेरे मोबाइल में दे रखी है अभी फेसबुक, गूगल, गूगल प्ले सर्विस, मैप्स, ओके, और न्यूज डॉग भी थी अभी, ठीक है। तो यहाँ पर ये साफ साफ इन्होंने लिखा हुआ है, यदि आप अब इस सेटिंग को ऑन करते हो और अपनी जो है फोटो लेते हो अपने मोबाइल से तो आपके फोटो की लोकेशन को इन एप्लीकेशन को शेयर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि हम कुछ ऐसे मोबाइल में ऐसी फ़ोटो तो लेते हैं, ऐसी सेंसिटिव फ़ोटो लेते हैं, वो आजकल आपको पता है कैसी कैसी फ़ोटो लेते हो आप लोग, है ना, तो उस कंडीशन में ये सेटिंग आप अपने मोबाइल की बंद करके रखें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि कल ना हो कि आपकी जो पर्सनल फोटोज है वो कहीं पर लीक हो, उसकी लोकेशन ट्रैक हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो यदि आपको कुछ ऐसा लगता है अपने साथ तो ये सेटिंग आप बंद ही रखें, ठीक है। और यदि आप सब कुछ नॉर्मल चलता है आपकी लाइफ में तो फिर इसको ऑन रखें, क्योंकि इसके फायदे भी है, जब आप फेसबुक वगैरह चलाते हो वहाँ पर इसका फायदा भी आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों तीसरी सेटिंग है, तीसरी सेटिंग में मेरे पास एक फ़ोन आया था एक लड़के का, उसने मुझे बोला कि सर जब हम ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो हम तो ट्रेन के अंदर बैठे हैं, अभी कौन सा स्टेशन आया तो हम अपने मोबाइल से कैसे पता करें कि कौन सा स्टेशन आ गया, ट्रेन अभी कहाँ पर पहुँच गई। तो मतलब ऐसे नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैंने उसका एक बहुत अच्छा शॉर्टकट निकाला है,
जिसके बारे में किसी को भी सोचना ना पड़े, ठीक है। आपको क्या करना है, सिर्फ एक बार अपने मोबाइल में एक सेटिंग कर लेनी है। आपको चले जाना है मैप में, ओके, मैप खोल लेना है। मैप खोलने के बाद इसमें सबसे ऊपर तीन लाइन रहती है, तीन लाइन पर टच करना है आपको, और यहाँ पर सबसे नीचे ऑप्शन मिल जाएगा एक, जाकर सेटिंग का, सेटिंग पर चले जाना है, ठीक है दोस्तों। सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे जाएगा जिसका नाम होगा नेविगेशन सेटिंग। यहाँ पर आपको नेविगेशन सेटिंग पर चले जाना है। नेविगेशन सेटिंग पर जाने के बाद ये अगला पेज खुल गया। इस अगले पेज में सबसे नीचे लिखा दिखाई दिया जाएगा आपको ऐड ड्राइविंग शॉर्टकट। आपको ऐड ड्राइविंग शॉर्टकट पर ओके करना है। जैसे ही आपने ऐड ड्राइविंग शॉर्टकट पर ओके किया, यहाँ से एक शॉर्टकट, एक आइकन, ड्राइविंग का आइकन, वो जो है आपकी फ्रंट स्क्रीन पर आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इस तरह का जो है फ्रंट स्क्रीन पर आ चुका है ड्राइविंग का आइकन। अब आपको क्या करना है, आप कहीं भी सफ़र कर रहे हो या फिर ड्राइविंग कर रहे हो, आपको सिंपली इसको टच करना है अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आकर, और ये इस तरह से खुल जाएगा जैसा कि अभी आप देख रहे हो, ठीक है। आपको ओके कर देना है ये, और जहाँ पर भी आप अभी होंगे, जहाँ पर भी आपका मोबाइल होगा, जहाँ पर भी आप अभी ड्राइविंग या सफ़र कर रहे होंगे, वहाँ की लोकेशन आपको ये दिखा देगा, ठीक है। तो ये ट्रिक थी, तो आप इसको यूज कर सकते हो दोस्तों। और आशा करता हूँ तीनों सेटिंग और तीनों बातों के बारे में जानकर आप आज को खुशी महसूस हुई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को दोस्तों लाइक किया करो प्लीज़, ओके। तो नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।